नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि मना रहा है। साल 1948 में आज के दिन ही यानी 30 जनवरी के दिन ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जान ले ली गई थी। यही कारण है कि देशवासी आज के खास दिन को शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस मौके पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री गांधी जी के योगदान को याद करते हुए राजघाट स्थित उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस दौरान पूरा देश बापू को याद कर 2 मिनट का मौन रखता है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी राजघाट जाकर बापू को नमन किया, लेकिन इससे पहले गांधी की याद में राहुल ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने इशारों में बीजेपी से लेकर आरएसएस को अपने निशाने पर ले लिया। कांग्रेस सांसद ने अपने ट्वीट में लिखा कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी की जान ली थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी नहीं रहे, जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। #GandhiForever। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में भले ही किसी का भी नाम ना लिया हो, लेकिन ये बात जग जाहिर है कि वो गोडसे को हिंदुत्ववादी बताते हैं, साथ ही बीजेपी और आरएसएस के लोगों को भी हिंदुत्ववादी कहते हैं। राहुल का कहना है कि हिंदू और हिंदुत्ववादी में फर्क है। वो खुद को हिंदू बताते हैं और बीजेपी से जुड़े लोगों को हिंदुत्ववादी। इससे पहले भी कई मौकों पर राहुल महात्मा गांधी को लेकर संघ को अपने निशाने पर लेते रहे हैं। उन्होंने 2018 में अपने भाषण में आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी के जान गंवाने के पीछे संघ का हाथ था। इसे लेकर आरएसएस के एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंते ने मुकदमा दायर किया था और दावा किया था कि इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। ठाणे की अदालत ने 2018 में मामले में राहुल के खिलाफ आरोप तय किए थे, लेकिन उन्होंने आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इस केस के बावजूद कांग्रेस सांसद लगातार आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर रही।